हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कल के दिन में 2 सितंबर को अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि हमारे जो लेवल्स हैं काफ़ी ऊपर और नीचे थे, क्योंकि ये जो लेवल था थोड़ा सा वोलेटाइल रेंज हो गया था, इसीलिए हमने अपना यहाँ पे कल के हाई के नीचे मतलब कल की क्लोजिंग मिली थी जो बहुत अच्छी मिली थी, इसीलिए बात किया था 3731 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देगा तो ये दोनों टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं और नीचे हमारे पास ये ब्रेकडाउन के लेवल थे। लेकिन अभी IT स्टॉक थोड़े से यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग के माहौल में दिख रहे हैं, ठीक है। IT स्टॉक में थोड़ा सा हम लोगों को साइड नीचे की ओर जाके मतलब बियरिश टू साइडवेज व्यू है, लेकिन IT स्टॉक का अगर आप चार्ट जाके देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एक बार लास्ट में अगर ये ट्राई करेगा, अगर यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो वेल एंड गुड, हम लोगों को अच्छा फिर से ऊपर की ओर रैली देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये फिर से नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों को ना बाइंग या सेलिंग मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और टारगेट्स हैं सेम रहेंगे, हम अभी चेंज नहीं करने वाले इनको। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, एक चीज़ का हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को वन डे टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा कि वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो इनसाइड कैंडल बना हो किस तरीके से बना है। तो इनसाइड कैंडल जो बना है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे इन लेवल के आसपास है, ठीक है। इन लेवल के आसपास से इसने आज ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बिल्डअप हो रहा है बिल्कुल इस तरीके से बिल्डअप हो रहा है और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से जैसे आज नीचे क्लोजिंग मिला और कल के दिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो ये फिर ऊपर की ये वाले टारगेट हमारे लिए ओपन कर देगा, जो यहाँ पे ऑल टाइम ये मतलब इन ये जो रैली का ये जो हाई लगा था ये टारगेट हमारे लिए फिर ओपन हो जाएगा और ये अचीव होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये यहीं से आके नीचे की ओर आता है और यहाँ से आके इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें 3400-3200 का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, 50% के आसपास ये रिट्रेस कर चुका है। अगर यहाँ पे 60-70% के आसपास आता है तो जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी उसी के बीच में उसी के पास में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि बायर्स इस बीच में कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर ले गए हैं और फिर से उन्हीं के रेंज के आसपास आ रहा है तो बायर्स जहाँ से बाई करके लेके गए थे उसके आसपास ही फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कल शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लस मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर किया था, अगर आपने इसको सही लेवल पे ले लिया हो 810 के आसपास, इन लेवल के आसपास, तो बहुत ही अच्छा खासा आप प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। और आज अच्छा ब्रेकआउट मिला है इसमें टाटा कंज्यूमर में। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को DLF में भी बहुत ही अच्छा आज के दिन ब्रेकआउट मिला है, तो इसमें भी अच्छा खासा पोजिशन जिन लोगों ने बनाया होगा वो अगर मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं हम अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा ये यहाँ पे चॉपी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स की बात करेंगे तो ऊपर के हमारे जो लेवल्स हैं, ठीक है, ऊपर के जो लेवल्स हैं हम वही रखते हैं। अभी हमारे लेवल्स चेंज नहीं होंगे तो हमारे लेवल्स क्या हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 3731 को ब्रेकआउट देगा तो 3753 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3779 का देखने को मिल सकता है, नीचे की ओर 3563 ब्रेकडाउन देगा तो 3544 एंड 3528 का नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट ये है कहीं पे यहीं पे ओपन हो उसके बाद रैली करे तो ज़्यादा बेटर ये काम करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।